अस्सलाम वालेकुम क्लास 8, होपफुली यू विल बी ग्रेट। टुडे डेट इज़ 18 अगस्त 2020 एंड डे इज़ ट्यूसडे। इट्स माई 33 लेक्चर। वी आर डूइंग यूनिट नंबर 5, डैफोडिल्स, एंड टुडे वी विल डू बुक एक्सरसाइज। इट्स ऑन पेज नंबर 55। सी क्वेश्चन नंबर सी। हे इज़ अ लिस्ट ऑफ अ फ्यू सिमिली, मेटाफर्स एंड पर्सोनिफिकेशन। कैन यू आइडेंटिफाई दैम? राइट एस फॉर सिमिली, एम फॉर मेटाफर एंड पी फॉर पर्सोनिफिकेशन। सो वी हैव द लिस्ट ऑफ सिमिली, मेटाफर्स एंड पर्सोनिफिकेशन एंड वी विल आइडेंटिफाई वट इज़ सिमिली, वट इज़ मेटाफर एंड वट इज़ पर्सोनिफिकेशन एंड वी विल राइट इट एस एम एंड पी अकॉर्डिंग टू द फिगरेटिव लैंग्वेज। सी द फर्स्ट वन। टाइम इज़ मनी, इट्स डायरेक्ट कंपेरिजन बिटवीन टू थिंग्स दैट टाइम इज कंपेयर विद मनी। टाइम इज़ मनी, सो इट्स मेटाफर। एज बिजी एज आर बी। आई टोल्ड यू इफ़ यू राइट एज आर लाइक इन अ सेंटेंस इट विल बी सिमिली। सो एज बिजी एज आर बी, इट इज़ इन डायरेक्ट कंपेरिजन ऑफ टू थिंग्स, सो इट्स सिमिली। द विंड विस्पर्ड द र्यूमर्स ऑफ द फॉरेस्ट। सो द विंड इज विस्परिंग। विस्परिंग इज़ अ ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स और ह्यूमन क्वालिटी, दैट्स वाई इट्स पर्सोनिफिकेशन। एज सेंटल एज आर बी, एज इज रिटन, सो इट्स सिमिली। द सॉरी इंजन हेस्ट इट्स डेथ कॉफ। सो हेस्ट इज अ ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स एंड इंजन इज कंपेयर आर गिवन द ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स दैट हेस्ट हिज डेथ कॉफ, के उसने मौत की खांसी जो है वह खांसी है, जो बेचारा इंजन था उसे मौत की खांसी जो है उसने आखिरी खांसी जो है या आखिरी सांस ली है या आखिरी खांसी जो है उसने मौत की खांसी है, दैट इज़ पर्सोनिफिकेशन। द हार्ट ऑफ लाइन, इट्स डायरेक्ट कंपेरिजन, इट्स मेटाफर। एज द एप्पल ऑफ माई आई, इट्स आल्सो डायरेक्ट कंपेरिजन, दैट्स वाई इट्स मेटाफर। एज कनिंग एज अ फॉक्स, एज इज रिटन इन अ सेंटेंस, सो इट्स सिमिली। ब्राउन ग्रास वाज बेगिंग फॉर वाटर, सो बेगिंग इज ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स, दैट why its personification. As wise as an oil, as is written, so it's simile. Blanket of snow is metaphor. As black as a crow, it's simile. As is written, whenever we write as or like, it will be simile. If we directly compare two things, it will be metaphor, and if we give human characteristics, it will be personification. See the next one. Vocabulary. Use a thesaurus to find three more synonyms of the following words. So three words they have given and we will write three more words which has the same meaning. Yani har ek ka meaning same hona chahiye. Thesaurus aise dictionary ko kehte hain ki ek word ke jitne possible meanings hain wo usme likhe hue hote hain. Yani ek word ke jitne bhi meanings possible ho sakte hain us dictionary mein wo likhe hue hote hain. Synonyms ka matlab hota hai same meaning. So three words they have given, they have same meaning. Saw, glance and gaze, they have the same meaning. In words ka matlab yahi hai ki dekhna. So we will write three more meanings which has the same, such as stare, look and watch, they also have the same meaning. Inka matlab yahi hai ki dekhna. Shine, twinkle, sparkle, iska matlab chamakna. Twinkle ka matlab bhi chamakna, shine ka matlab bhi chamakna. So glow, flash and glitter, इनका मतलब सेम है. और अगर हम थेसारस में देखें या सिनोनिम्स में देखें, एक ही वर्ड के ऑल सिनोनिम्स देखें, तो आपको इसकी मीनिंग्स मिल जाएंगे. सी द नेक्स्ट पेज. पेज नंबर 56. कोनोटेशन. सी द डेफिनेशन ऑफ कोनोटेशन. कोनोटेशन मीन्स द एटीट्यूड एंड फीलिंग एसोसिएटेड विद अ वर्ड एज अपोज्ड टू इट्स लिटरल मीनिंग. सो इन कोनोटेशन वी डोंट हैव लिटरल मीनिंग. यानी जो डिक्शनरी मीनिंग्स होते हैं या सिंपल मीनिंग्स होते हैं किसी भी वर्ड के, इसमें वो नहीं होते. कोनोटेशन मीन्स हिडन मीनिंग ऑफ अ वर्ड. पॉजिटिव कोनोटेशन वी हैव एंड नेगेटिव कोनोटेशन. सच है सॉलिट्यूड. सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेले होना. लोनली इसका मतलब भी है अकेले होना. लेकिन इनके मीनिंग्स जो हैं इसलिए चेंज हो जाएंगे कि कुछ के मीनिंग्स पॉजिटिव कॉनोटेशन में आ जाएंगे. सॉलिट्यूड पॉजिटिव है, यानी अकेले बैठना जो है यहाँ पर
पॉजिटिव मीनिंग में है, लोनली का मतलब तन्हा या अकेला होना, ये नेगेटिव मीनिंग में आता है, यानी डिक्शनरी मीनिंग्स नहीं है, लिटरल मीनिंग्स नहीं है, ये हिडन और डीप मीनिंग ऑफ अ वर्ड है, यानी किसी वर्ड के हिडन मीनिंग्स या डीप मीनिंग्स अगर हम देखें तो उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, यानी सॉलिट्यूड जो है पॉजिटिव मीनिंग देगा और लोनली जो है वो नेगेटिव मीनिंग देगा, इन दोनों का मतलब अकेले होना या तन्हा होना है। सो इट्स अबाउट द एटीट्यूड एंड द फीलिंग एसोसिएटेड विद द वर्ड, यानी इस वर्ड के अंदर जो फीलिंग्स या एटीट्यूड है उसका उससे रिलेटेड होगा कोनोटेशन, यानी डीप मीनिंग्स या हिडन मीनिंग्स के साथ हम इसको लेंगे। स्पेसिफाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोनोटेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, सो दे हैव गिवन अस टू वर्ड्स विच हैज़ द सेम मीनिंग एंड वी विल राइट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोनोटेशन सच एज गेस एंड स्टेयर, बोथ हैव द सेम मीनिंग, यानी घूर के देखना और लगातार देखना, स्टेयर का मतलब लगातार किसी चीज़ को देखते रहना और गेज का मतलब भी लगातार किसी चीज़ को गौर से देखना, तो गेज इज पॉजिटिव कोनोटेशन एंड स्टेयर इज नेगेटिव कोनोटेशन, शाइन इज पॉजिटिव कोनोटेशन एंड ग्लेयर इज नेगेटिव कोनोटेशन, बोथ हैव द सेम मीनिंग, इन दोनों का मतलब यही है कि चमकना। हॉट आर कलेक्टेड, हॉट इज नेगेटिव कोनोटेशन एंड कलेक्ट इज पॉजिटिव कोनोटेशन, यानी जमा करना, किसी चीज़ को इकट्ठा करना। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड, यूज़ द वर्ड्स गिवन इन एक्टिविटी बी इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, सो वी विल डू इट ऑन नोटबुक, आई विल शो इट लेटर दैट हाउ वी विल मेक सेंटेंसेस ऑफ दीज वर्ड्स, सो वी हैव सिक्स वर्ड्स एंड वी विल मेक द सेंटेंसेस ऑफ दीज सिक्स वर्ड्स, इट्स एक्टिविटी, इट्स क्वेश्चन नंबर बी सी ग्रामर पार्ट। कलेक्टिव नाउन, सी द डेफिनेशन, आर सिंगुलर नाउन सच एज कमेटी आर टीम दैट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल एनिमल्स आर थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, फॉर एग्जाम्पल सो कमेटी एंड टीम सच वर्ड्स विच आर एसोसिएटेड आर रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल आर एनिमल्स आर एनी थिंग इट इज़ कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, सो कमेटी एंड टीम इज एसोसिएटेड विद अ ग्रुप ऑफ पीपल। क्राउड इन दिस पोएम रेफर टू अ कलेक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ डैफोडिल्स, यानी क्राउड यानी हजूम, यहाँ इस पोएम में हजूम का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ डैफोडिल्स हैं, यानी बहुत ज़्यादा तादाद में डैफोडिल्स के बारे में बताया गया है, दैट इज़ कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। व्हेनेवर वी राइट द वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ पीपल आर ग्रुप ऑफ एनिमल ग्रुप ऑफ थिंग्स इट इज़ कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। Write the collective nouns of the following. See, A. A collection of sheep. A collection of sheep is called fleet. हम collective noun fleet use करते हैं अगर बहुत सारी sheep इकट्ठी हो जाए. B. A collection of singers. That is called chorus. Singers का group अगर होगा तो उसको हम chorus कहेंगे. A. Collection of cattle. It is herd. यानी मवेशियों का जो हजूम होगा उसको हम हर्ड बोलेंगे। आ कलेक्शन ऑफ सिंगर्स सोल्जर्स, सोल्जर्स के लिए हम ट्रूप यूज़ करते हैं या क्रियू यूज़ करते हैं, द वर्ड क्रियू एंड ट्रूप आर यूज फॉर द सोल्जर्स एंड इट्स कलेक्टिव नाउन। सी यूज द फॉलोइंग प्रेपोजिशन इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, वी विल डू इट ऑन नोटबुक, आई विल शो इट लेटर। सी कंजंक्शन, कंजंक्शंस ज्वाइन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, देर आर टू काइंड ऑफ कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सो कंजंक्शंस की डेफिनेशन ये है कि टू वर्ड्स टू फ्रेजेस या टू क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं, सो कंजंक्शंस आर एक्चुअली ज्वाइनर ऑफ वर्ड्स सेंटेंसेस एंड सेंटेंसेस, एंड वी हैव टू काइंड ऑफ कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सी व्हाट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, इट्स फंक्शन इज दीज कंजंक्शंस ज्वाइन सेंटेंसेस ऑफ इक्वल रैंक, यानी इसमें जो सेंटेंसेस जिनको हम ज्वाइन करेंगे वो इक्वली रैंक होंगे, यानी ये सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होगा, कंजंक्शन होगा फिर सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल्स हैं बट और नॉर आइदर ऑल्सो हाउएवर ओनली सो हैंस, दीज आर कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बिकॉज दीज कंजंक्शंस आर यूज टू ज्वाइन टू सेंटेंसेज विच हैज इक्वली रैंक, सच एज कंजंक्शन ज्वाइंस वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, देर आर टू काइंड ऑफ कंजंक्शंस, इफ आई ज्वाइन दीज टू सेंटेंसेस दे आर ऑफ इक्वल रैंक,
ये दोनों सेंटेंसेस इक्वल रैंक के हैं क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट है, इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे ज्वाइन कर दूँ कंजंक्शन ज्वाइंस वर्ड्स एंड सेंटेंसेस एंड आई राइट एंड अगेन एंड देयर आर टू काइंड ऑफ कंजंक्शंस, सो दीज टू सेंटेंसेज आर ऑफ इक्वल रैंक, ये इक्वल रैंक के हैं तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा एंड यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। दीज कंजंक्शन ज्वाइन सेंटेंसेज वन ऑफ विच इज़ डिपेंडेंट ऑन द अदर, सो वन सेंटेंस इज डिपेंडेंट एंड द अदर वन इज इंडिपेंडेंट। टू सेंटेंसेज टू क्लॉजेज आपने पढ़े हुए हैं, डिपेंडेंट क्लॉजेज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। अगर एक सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट नहीं होता, वो डिपेंड करता है किसी और सेंटेंस के ऊपर, तो उसके लिए जो कंजंक्शन यूज़ होगी उसको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बोलते हैं, सच एज बिकॉज दैट व्हाइल अनलेस एज व्हेन हेंस इफ दाउ, दिस ऑल आर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। लेट्स सी द सेंटेंसेस, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट कंजंक्शन। ही रेन फास्ट but he missed the train, so we write coordinating conjunction but, we have subject verb and here object, we have again subject and verb and object, so these two sentences are equally rank, sentences of equal rank, so we have subject verb and object, subject verb and object। कैसे पता चलेगा ये दोनों के दोनों sentences जो हैं independent sentences हैं। he ran fast फुल कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, ही मिस द ट्रेन कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। अगर हम दोनों सेंटेंसेस को अगर सेपरेट करते हैं तो इनके मीनिंग्स कंप्लीट होंगे, दैट्स व्हाई दी सेंटेंसेस आर कॉल्ड इक्वली रैंक एंड इफ़ वी हैव द सेंटेंस फॉर द इक्वली रैंक वी विल राइट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। वेट टिल आई रिटर्न, सो वेट टिल आई रिटर्न, टिल हियर इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्योंकि इसके मीनिंग्स कंप्लीट नहीं हो रहे। वेट एंड आई रिटर्न, जब तक हम इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन टिल नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट इज वर्क हार्ड लीस्ट यू शुड फेल, सो वर्क हार्ड लीस्ट यू शुड फेल, इट इज़ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आई डिड नॉट कम बिकॉज यू यू डिड नॉट इनवाइट मी, सो बिकॉज हियर इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यू विल गेट अ प्राइज इफ यू डिजर्व इट, सो If here is subordinating conjunction, अगर हम इसको सेपरेट करें तो इसकी मीनिंग्स कंप्लीट नहीं होंगे। सेम हेयर एंड सेम विद अदर सेंटेंसेस, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। लेट्स सी द अदर एक्टिविटी, यूज ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल्स। सो यू नो द फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। वी हैव प्रेजेंट पार्टिसिपल्स एंड पास्ट पार्टिसिपल्स ऑफ द वर्ब फॉर्म, बट दीज पार्टिसिपल्स आर एडजेक्टिव्स, नॉट वर्क एज अ नाउन। इनको हम एज एन एडजेक्टिव सेंटेंस में लिखते हैं, इनको हम एज अ वर्ब नहीं लिखते। सी द डेफिनेशन ऑफ पार्टिसिपल, अ पार्टिसिपल इज अ वर्ब फॉर्म यूज एज एन एडजेक्टिव टू मॉडिफाई नाउन एंड प्रोनाउन, यानी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए एज एन एडजेक्टिव हम इनको लिखते हैं और ये फॉर्म है वर्ब की फॉर्म है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में आई एन जी फॉर्म आती है, ऑल द प्रेजेंट पार्टिसिपल्स एंड इन आई एन जी, सच एज लाफिंग, फॉलिंग, स्टिंगिंग। आई एन जी की फॉर्म जब भी आएगी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। एग्जाम्पल्स की में द लाफिंग लेडी, लाफिंग हेयर इज़ एडजेक्टिव, लेडी हेयर इज़ नाउन। सो जब भी नाउन को मॉडिफाई करेंगे विद अ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड इट हैज़ आई एन जी फॉर्म, इट विल बी प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई होप यू विल अंडरस्टैंड कि जब भी हम नाउन की मीनिंग्स को इन्हांस करेंगे या मॉडिफाई करेंगे बाई यूजिंग फॉर्म ऑफ वर्ब विद आई एन जी, इट विल बी प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड इट विल बी एडजेक्टिव हेयर। यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, यहाँ पर ये वर्ब की फॉर्म नहीं है। द फॉलिंग टेम्परेचर, हेयर अगेन फॉलिंग इज एडजेक्टिव एंड टेम्परेचर इज नाउन। द स्टिंगिंग रिमार्क्स, स्टिंगिंग हेयर इज एडजेक्टिव एंड रिमार्क हेयर इज नाउन। सो वेन एवर वी मॉडिफाई नाउन बाय यूजिंग द फॉर्म ऑफ वर्ब विद आई एन जी, इट विल बी प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल।
The past participles of all regular verb and in ed, यानी रेगुलर वर्ब में हमें पता है ed फॉर्म आता है, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अगर लगी हुई है और उसके बाद जो हमारे पास नाउन है या प्रोनाउन है, इट विल बी पास्ट पार्टिसिपल. सी द एग्जाम्पल, द थर्ड डांसर. थर्ड हे इज एडजेक्टिव एंड डांसर, हे इज नाउन. द इंजर्ड प्लेयर, हियर इंजर्ड इज एडजेक्टिव एंड प्लेयर इज नाउन. द क्रैक्ड वास, क्रैक्ड हेयर इज एडजेक्टिव एंड वास हेयर इज नाउन. सो इट इज़ ईजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई द पार्टिसिपल्स इन अ सेंटेंस व्हेन एवर आफ्टर फॉर्म ऑफ वर्ब आई जी फॉर्म ऑफ वर्ब आर द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वी हैव नाउन, इट विल बी प्रेजेंट पार्टिसिपल आर इट विल बी पास्ट पार्टिसिपल एंड इट विल बी एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस. हाउ एवर इरेगुलर वर्ब्स हैज़ वेरियस पास्ट पार्टिसिपल एंडिंग सच एज थ्रोन, रिडन, बिल्ट एंड ग्रोन. सो वेन एवर वी हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जस्ट रिमेंबर इन पास्ट पार्टिसिपल वी हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. इफ वी हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इट विल बी पास्ट पार्टिसिपल. इफ वी हैव आईएनजी फॉर्म इट विल बी प्रेजेंट पार्टिसिपल. सी द एक्टिविटी, अंडरलाइन द पार्टिसिपल्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इट्स ईजी. सी, ही वॉज सो शॉक्ड ड्यू टू, वॉज हेयर इज वर्ब, सो शॉक्ड, शॉक्ड हेयर इज पास्ट पार्टिसिपल. सो शॉक्ड ड्यू टू द एक्सीडेंट दैट ही कुड नॉट स्पीक. सो शॉक्ड हेयर इज पास्ट पार्टिसिपल. द गैलोपिंग हॉर्स स्केयर्ड द चाइल्ड. सो हेयर गैलोपिंग इज एडजेक्टिव एंड हॉर्स इज नाउन, दैट्स वाई इट्स प्रेजेंट पार्टिसिपल. आई डोंट वॉन्ट दैट बर्नड टोस्ट, बर्नड हेयर इज एडजेक्टिव एंड टोस्ट हेयर इज नाउन. बर्नड इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट्स वाई इट्स पास्ट पार्टिसिपल. डोंट बी फ्राइटन, फ्राइटन हेयर इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट्स वाई इज पास्ट पार्टिसिपल. दैट डॉग डज नॉट बाइट. द लॉरी वॉज कैरिंग स्टोलन गुड्स. सो कैरिंग, कैरिंग हेयर इज प्रेजेंट पार्टिसिपल. सॉरी इट्स स्टोलन, स्टोलन हेयर इज पास्ट पार्टिसिपल. एवरीबॉडी वॉज एक्साइटेड preparing the things for the trip. So excited here is past participle. If the children are bored, bored here is past participle. Taken them to the park. So I hope you have understand. If we have ing form it will be present participle, if we have third form of verb it will be past participle, and after if we have a form of verb. Let's see the sentences given on page number 56 and 57. It is question number C and question number C. Both have question number C, but you have to know that on page number 56 it is about activity B, such as use the following, use a word given in activity B in sentences of your own. We will do it on notebook and this one. Let me show you the answer. See, use the following preposition in sentences of your own. First one is behind. Hania is sitting behind me. Beside, I am standing beside Sidra. Next two, the question will be asked by Sumaira, who is sitting next to Fatima. It's over. Bird is flying over the roof. Under, my pen is under the tree. Under the table. Along, I am going to market along with my cousin. Across, my friend have gone across the river. See again. We have to write positive and negative connotation and then make the sentences, such as first one, A was gaze. The poet is gazing the daffodils. Stare, why are you staring me? B is shine, positive connotation. The daffodils shine like stars. Glare, his skin burned due to glare of sun. Hot, some shopkeepers hoard the things. And collect, we collect money for charity.
Till here you have to do, you will not do this activity. Till here it's your work. I hope you will do it on notebook and try to solve book exercise. Love his class.